वेलकम टू माई चैनल पॉज एंड प्रिया जी। हेलो बोलो, कम हियर, हेलो बोलो, पहले हेलो बोलो। ही सो फूडी, टेक इट। सो आज जो मैं इन्फॉर्मेशन आपको देने वाली हूँ वो मेरी खुद की एक्सपीरियंस है कि इसके साथ जो जो हुआ है और भी कुछ इलनेसेस होती है जो कि लापरवाही के कारण, कुछ वैक्सीन्स जो ना लिए जाते हैं, जो रेगुलरली आप नहीं देंगे तो वो कॉज कर सकती है, तो उन सब के बारे में मैं आपको कुछ डिटेल में बताऊंगी कि वो डिजीजेस क्या हैं, वो इलनेसेस क्या हैं और उनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, ताकि आप जब भी ये सारी चीज़ें हो तो आप ना घबराएं, अरे क्या कर रही है। इलनेसेस होती क्या हैं, जैसे इंसानों के बच्चों को होता है, आपने अगर सुना होगा कि बच्चों के दांत गिरते हैं, जो दूध के दांत होते हैं वो गिरते हैं, वैसे ही डॉग्स के और बिल्लियों के भी गिरते हैं। इट्स अराउंड 5 to 10 months के अंदर ऐसा होता है, सारे दांत गिरते हैं। एक्चुअली ये बचपन के दांत नहीं होते हैं ये, अरे दांत तो दिखाओ, दांत दिखाओ, तुम अपना दांत दिखाओ। तो ये सारे बड़े होने के बाद आते हैं। मैंने मेरे पहले भी जितने भी डॉग्स थे मैंने कभी लाइफ में नोटिस नहीं किया था ये चीज़, मैंने इसका नोटिस किया था। तो पहला चीज़ जो होता है, 5 से 10 महीने के अंदर आपके बच्चों का दांत गिरता है, उसके बाद इन्हें एक तरह का कीड़ा होता है, मतलब अंदर एक कीड़ा होता है, मेल एंड फीमेल, एक बड़ा होता है एक छोटा होता है, उसे टिक कहते हैं। तो टिक फीवर बोल के एक फीवर होती है जो कि मुझे भी पता नहीं था, और उस टिक फीवर में इनको लूज मोशन एंड इनका स्टूल थोड़ा सा लूज होता है, और उसका और एक कारण भी होता है कि इन्हें पैरासाइट्स, इनके जो पेट में पैरासाइट्स के लिए इन्हें हर 3 महीने में टैबलेट्स खिलाई जाती है इनके वजन के हिसाब से, और ये किसी को भी नेगलेक्ट नहीं करना है, डॉग्स हो या कैट्स हो, पैरासाइट का जो भी मेडिसिन हो उसे नेगलेक्ट नहीं करना है, टाइम टू टाइम देना है, क्योंकि वरना इनका स्टूल जो है स्टूल खराब हो जाता है, स्टूल खराब होगा ऑब्वियसली पेट खराब है। पैरासाइट अगर बढ़ जाएंगे तो उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है कि जैसे आँखों के नीचे बाल चले जाते हैं, उड़ जाते हैं, और यहाँ स्किनी स्किनी हो जाता है थोड़ा, नेल्स खराब हो जाते हैं, दांत खराब, दांत में ऐसे येलोइश टाइप ऑफ एक लेयर आ जाता है। अब नेक्स्ट आता है वेदर चेंज। धीरे धीरे जब वेदर चेंज, जैसे कि अगर बहुत गर्मी से जब मानसून का टाइम आता है तो उस वक्त इनका स्टूल थोड़ा चेंज होता है, शायद कलर में थोड़ा चेंज हो, किसी किसी का कलर में चेंज होता है, किसी किसी का लूज होता है, और थोड़ा थोड़ा कभी भी अगर ब्लड निकले तो ये आप नोटिस करेंगे कि वेदर क्लाइमेट चेंज होने से ही आपके डॉग के स्टूल में 1 दिन या 2 दिन तक आ सकते हैं, उसकी दवाई होती है, आप अपने वेट से बात कर सकते हैं। कभी भी अगर उनके स्टूल में कभी खून दिखे तो आप ज़रूर कॉन्टैक्ट करें अपने वेटनरी से, और वो एक दवाई देंगे, उससे वो ठीक हो जाता है। तो ये एक्चुअली वेदर क्लाइमेट के चेंज होने से भी होता है, तो उससे घबराने की ज़रूरत है। हाँ, अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, जैसे कि थोड़ा उससे उसके साथ थोड़ा सा ब्लड रेडिश मिला हुआ अगर लगे तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो चिंता की बात नहीं है, वो होता है वेदर के। जो भी वैक्सीन्स दिए जाते हैं, साल में 3 वैक्सीन मैंडेटरी है, एक नंबर है वेन कोरोना, हमारा वाला कोरोना नहीं, इन लोगों का कोरोना है वो अलग कोरोना है, एंड जैसे हमारा वाला इंसानों वाला कोरोना है कि सर्दी खांसी है ये सब, लंग्स का प्रॉब्लम, ये वैसा वाला कोरोना नहीं है। इनका होता है डायरिया, इनको लूज मोशन होता है, वॉमिटिंग होती है, और डॉग्स और कैट्स में, अब बाकी जितने भी एनिमल्स हैं ये सारे एनिमल्स में लागू होते हैं, इंसानों को छोड़ के, इंसानों को नहीं होता है। तो ये एक तरह का छूत टाइप की बीमारी है एनिमल्स के लिए, और अगर आपने ये वैक्सीन नहीं दिया, अगर आपके आसपास कोई भी, आप अगर रास्ते पे लेके जा रहे हैं या फिर कहीं पे भी, हो ही सकता है ये तो एक्सीडेंटली हो ही सकता है कि आपके घर में कहीं से बिल्ली घुस रही है, चूहा कोई कहीं से घुस रहा, अगर उसमें ये वाली बीमारी होती है तो फिर आपके कुत्ते में आ सकती है, पर अगर आपने वैक्सीन देकर रखा है तो वो नहीं होगा। सेकेंड वैक्सीन होती है डिस्टेम्पर। डिस्टेम्पर एक ऐसी चीज होती है जैसे उनका थोड़ा बैकबोन जो है वो थोड़ा सा बेंड होने लगता है, और ये भी छूत बीमारी है, दूसरे कुत्तों और बिल्ली से आ सकती है। चीज भी होती है कि उनकी
नाक से एक व्हाइटिश कलर का एक लिक्विड निकलता है, उनकी आंखों से लगातार वो बहने लगता है। सर्दी होने से जैसे होती है नाक बहना, वैसे उनका भी नाक बहता है पर वो व्हाइटिश होती है। ऐसे तो कुत्तों के अगर नाक गीले हैं तो दैट इज वेरी गुड, नाक सूखा नहीं होना चाहिए। अगर सूखा होता है तो दैट मीन्स आपको समझना चाहिए या तो उसे अंदर ही अंदर सर्दी लगी है या कुछ, पर चिंता की कोई बात नहीं है। और डिस्टेम्पर होने से या वेन कोरोना, इस तरह की चीज़ें आप अवॉइड करें तो अच्छा है। और इस तरह की चीज़ें होने से आप अपने डॉग को उस वक्त कितना भी चाहे पैसा खर्च करें उसे बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि मैंने खुद एक डॉग को इस हालत में देखा था। मुझे वो मिला था, वो अचानक से उसका जो बैकबोन है वो बेंड हो गया था, स्पीड डॉग। मैं उसे घर में लाई और मुझे नहीं पता था उसे डिस्टेम्पर हुआ है, और उसी टाइम एक हफ्ते पहले ही इसका वैक्सीनेशन हुआ था डिस्टेम्पर का ही। मैंने इसको एक कमरे में रखा, उसे बाहर एक कमरे में दूसरे जगह में रखा, वो टॉयलेट कर रहा है, वो लैट्रिन कर रहा है, सब कर रहा है, सब मैंने साफ किया, सब कुछ किया, बट वो उठ नहीं पा रहा था। उसका ऊपर का जो पोर्शन है वो काम कर रहा था, उसके हाथ काम कर रहे थे पर उसका कमर काम नहीं कर रहा था, और धीरे धीरे उसके पल्स नीचे गिरते रहे। उसे अंदर से बहुत शायद बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी और वो बहुत ही बुरी तरह से चीख रहा था। एंड आई स्टे एट अपार्टमेंट, सो मुझे डर लगने लगा था कि शायद कहीं दूसरे फ्लैट्स के लोग मुझे कंप्लेन ना करें। तो पर तीन दिन तक वो ऐसे तड़प रहा, मैंने बहुत सारे मेडिसिन, मैंने खाना ग्राइंड करके उसे खिलाने की कोशिश की, उसने धीरे धीरे खाना बंद कर दिया, पानी पीना बंद कर दिया, दवाई लेना बंद कर दिया। तीन दिन के अंदर वो मर गया, वो सांस नहीं ले पा रहा था, क्योंकि वो एक तरह की ऐसी बीमारी है कि वो स्पाइनल कॉर्ड को धीरे धीरे खराब करता रहता है, और हमारे स्पाइनल कॉर्ड के साथ बॉडी की जितनी भी नर्व सिस्टम है वो स्पाइनल कॉर्ड के साथ जुड़ा हुआ है, और वहीं पे अगर कोई वायरस अपना जगह बना रहा है तो आपके जितने भी नर्व सिस्टम्स हैं उसको खराब करने लगता है, और धीरे धीरे ब्लड में भी वो घुलने लगता है, तो मर ही जाएगा, उसे आप बचा नहीं सकते। फिर मैंने अपने वेट को जब बुलाया तो उन्होंने भी वही बताया कि आप कुछ भी करो इसे आप बचा नहीं सकते। तो मैं भी यही कहूँगी कि डिस्टेम्पर, वेन कोरोना और रैबिश। अच्छा, रैबिश के बारे में एक बात ये है कि कहते हैं कि जिस कुत्ते को अगर आपने पहले, तो ये दो वैक्सीन होते तो पहले पहले जब मैं छोटी थी मेरे पास जो दूसरे डॉग थे तो उनको सिर्फ एक ही वैक्सीन लगती थी, इतने सारे वैक्सीन नहीं हुआ करते थे। पर अभी आजकल नए नए डिजीजेज हो रहे हैं, कुत्तों के भी साथ हो रहे हैं, जानवरों के साथ हो रहा है, हम इंसानों के में भी ये हो रहा है वैसे ही। तो ये अभी दो जो वैक्सीन निकला है, वेन कोरोना और डिस्टेम्पर, ये देना ही चाहिए, क्योंकि इससे आपके ही डॉग्स को प्रॉब्लम होगी। जितने भी डॉग लवर्स हैं, एनिमल लवर्स हैं, आई होप कि वो लापरवाही नहीं करेंगे इस चीज़ के साथ। और रैबिश जो है, रैबिश ऐसी है कि ये इंसानों पर लागू होती है। अगर आपने अपने डॉग को रैबिश का इंजेक्शन नहीं दिया है, कहीं से भी अगर बाहर से या कहीं से भी उसे अगर ये वाली बीमारी होती है, रैबिश होती है, अगर उसका नाखून भी, जैसे कि मैं उसके साथ खेलती हूँ, उसका नाखून मेरे बॉडी पर लगता है, खरोच आती है, तो ये हो सकता है कि मुझे रैबिश हो जाए। और रैबिश एक ऐसी बीमारी है, आपको पता कैसे चलेगा, बाकी डॉग्स को पता चल जाता है जब एक डॉग को रैबिश होती है। हम इंसान इसे कैसे डिटेक्ट करें, एक तो होता है कि बहुत ज़्यादा लाड़ और फोम्ड लाड़, मतलब एक तरह का झाग होती है उनके लाड़ के साथ, सलाइवा के साथ एक तरह की झाग होती है वो निकलती है, और उनका दुम, जिनका दुम कटा हुआ है वो तो अलग दिखाई देगा, पर जिन डॉगों के दुम होते हैं वो अपने टेल को ना अंदर की तरफ घुसा लेते हैं, वो तो ऐसा होता है पर वो ऐसे हो जाएगा ऐसे। हालांकि हमेशा नहीं होता है, जब भी कोई डॉग किसी चीज़ को पहली बार देखता है या थोड़ा सेंसिटिव फील करता है किसी चीज़ को लेके, या तो वो डरा हुआ है, तब उनका दुम नीचे की तरफ होता है, दैट इज़ राइट। बट इस केस में वो हमेशा ही ऐसे रहेगा, और वो थोड़ा मतलब वियर्ड बिहेव करना स्टार्ट कर देता है, सबको काटना है, मतलब उनका एक्चुअली ब्रेन डेड हो जाता है, दे आर लाइक ज़ॉम्बीज, डॉग ज़ॉम्बीज हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें सब कोई मारना चाहता है, तो वो खुद को काट लेते हैं, खुद की मांस खाते रहते हैं, उन्हें होश नहीं रहता है। खुद को काटना, खुद की पूंछ को काटना बार बार, खुद को अटैक करना, खुद के पैर को काटना, तो ये सारी सिम्टम्स है। तो अगर ऐसा है तो आप चेक करवाएं, और आजकल रैबिस का ट्रीटमेंट भी होता है।
मैंने बहुत जगह में सुना है कि रस्ते पे अगर किसी कुत्ते को रैबिश, अगर कोई कुत्ता पागल हो गया, एक्चुअली ये पागलपन की बीमारी है कुत्तों में, तो वो पागल हो गया तो उसको पीट के मार डालते हैं, दैट इज वेरी बैड। अगर आपके मोहल्ले में ऐसा कुछ होता है तो आप कंप्लेन कीजिए, आपकी आसपास की जो भी म्युनिसिपैलिटी है या फिर कोई एनजीओ है वहाँ पे कांटेक्ट कीजिए, वो उनको लेके जाएंगे या वो आकर उन्हें वो वैक्सीन देंगे या दवाई देंगे देखकर। तो ये हो गई रैबिज की बात। और इंसानों पर क्या होता है, हाइड्रोफोबिया बोल के आपने अगर एक बीमारी के बारे में सुना है, ये एक्चुअली रैबिज से होती है। तो तुम क्या कर रहे हो बेटा, कम ही है। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि इंसानों में हाइड्रोफोबिया बीमारी पैदा कर सकती है। अगर जिस कुत्ते ने, जिस कुत्ते को रैबिश हुआ है और उसने अगर उसको काट दिया या फिर किसी तरह से उसका सलाइवा या फिर उसका वो वायरस इंसान के अंदर गया या उसने नोच दिया, तो फिर उस इंसान को हाइड्रोफोबिया हो सकता है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। और किसी भी तरह का अगर आपको ये यहाँ नहीं बैठेगा मेरे साथ, ठीक है मत बैठो, मुझे बात करने दो। तो अगर आपके डॉग्स में ऐसी कोई प्रॉब्लम्स होती है तो मुझे ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं। और किसी भी तरह का अगर स्किन प्रॉब्लम भी होती है, जैसे कीड़ों से जो वो कीड़े होते हैं उससे इन फ्यूचर किसी किसी को स्किन प्रॉब्लम भी होती है, रैशेज होती है, स्किन में स्पॉट्स बनते हैं, तो उसके बारे में भी मैं आगे डिटेल में बात करूंगी, कीड़ों के बारे में स्पेशली कि उनसे क्या क्या प्रॉब्लम होती है। और तब तक के लिए, तारा वो तो चला गया।